आप लोग भी अपनी अपनी कोई वो बताएं, तीन विषय में अभी चिन्ह निकालने लगा। गाइस आज हम जा रहे हैं लंदन टूटी ब्रॉड पे डिनर करने के लिए। हमारे साथ उस्मान भाई हैं। जी उस्मान भाई, आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों ने डिसाइड किया है आज हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं टूटी ब्रॉड पे, और रेस्टोरेंट जो है वो अदील भाई की पसंद का है। इन्होंने वहाँ से पहले खाना भी खाया है। ये अदील भाई हैं गाइस, ये अरब भाई हैं। वालेकुम भाई, आज जा रहे हैं हम लोग, इफ्तार हो चुकी है, सही अब खाना खाने जा रहे हैं। अदील भाई कौन से रेस्टोरेंट में आप लेके जा रहे हैं आज? नमक मंडी जा रहे हैं आज, तो उम्मीद करते हैं अच्छे नमक मंडी। सिर्फ ये अपना पानी छानी पिया बस, सही है। और अभी हुई है मेरे ख्याल से, क्या टाइम हो रहा है? 7:45 हो रहे हैं, सही है। और ट्रैफिक तो यहाँ पे माशाल्लाह इतना है जो कि एज ऑलवेज, और अभी बारिश भी हुई है थोड़ी सी। अलग मोटर में तो साफ थी, लेकिन ये ट्रैफिक जो यहाँ पे काफी ट्रैफिक नजर आ रही है। अदील भाई मजे में है, अदील भाई इंजॉय कर रहे हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम टिकटॉक। जी उस्मान भाई, ज्यादा भूख तो लगी हुई आपको? नहीं ज्यादा भूख नहीं लगी हुई। अदील भाई के पसंदीदा रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं। ये कौन सी मंडी? अदील भाई को ना मंडिया बड़ी पसंद है। नमक मंडी जा रहे हैं हम, नमक मंडी जा रहे हैं। हाँ, अदील को मंडिया बड़ी पसंद है। हाँ। वो नमक हो या दूसरी वाली हो। अच्छा बचपन में भी कहता था मुझे बकरा मंडी जाना है, बकरा मंडी। आज इसको नमक मंडी याद आ गया, पता चले वापसी भी कहे कि मुझे ले जो भाई। मतलब जब ना ऐसी चलती भी आ रही है मंडियां, से नाम पीछे के चेंज होते जा रहे हैं, पहले बकरा फिर नमक। गाइस अभी हम लंदन ब्रिज पे पहुंच चुके हैं, तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें गाड़ी चलाते हुए, लेकिन हमारा रेस्टोरेंट अभी तक नहीं आया। तो आप लंदन का व्यू ले सकते हैं। और उस्मान साहब से पूछते हैं, जी उस्मान भाई कैसा फील कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं फील कर रहा, पिछले 1 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, अभी भी आधा घंटा बाकी है और होपफुली जल्दी पहुँच जाएंगे। बहुत भूख लगी है। पीछे बिजनेस मीटिंग चल रही है अदील भाई और आरा भाई की। ये भाई नया ब्रांडिंग मीटिंग है। ये वो चलती रहनी चाहिए बस यार। नमक मंडी आ चुका है जी, अभी हम आपको नमक मंडी दिखाते हैं और साथ में इसका खाने का रिव्यू भी करते हैं। जी गाइस कैसा रहा आपका सफर? बहुत शानदार रहा, बहुत मजा आया और बहुत लंबा रहा। हां यार मेरीयां तो लता रह गई ने चला चला के गड्डी। हैवी टेस्ट ऑफ पेशावर खाते जरा, और अंदर जो है ना लंबी लाइन लगी हुई है। ये बात तो है। चलो अदील भाई गए ना पता करने के लिए। बहुत ज्यादा रश है, अभी भी 10-15 लोग अंदर खड़े हुए हैं और उम्मीद है कि आधा घंटा और लग जाए। सर्दी भी बहुत ज्यादा, बारिश भी हो रही है, लेकिन उम्मीद है इनका खाना काफी अच्छा है तो काफी मजा आएगा। अरे भाई क्या सिचुएशन है यार, बहुत रश हो रहा है। रोजा था, इफ्तार भी नहीं करा अभी तक, पता नहीं 2 घंटे से ज्यादा हो गया। अदील भाई सॉरी। अच्छा जी, इनको ये अदील भाई नजर आए। और भाई इनको अदील नजर आ गया, शुक्र मार नहीं पाई। का साहब आपकी क्या सिचुएशन है? सिचुएशन जो है वो बड़ी खराब है, बड़ी गंभीर है। भूख तो लगी हुई है, जो सर्दी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ओए हो, सामने चाय के होटल में बैठे थे ना खान साहब वाले, आवाज देते थे। आप लोग भी अपनी अपनी कोई वो बताएं, तीन विषय में अभी चिन्ह निकालने लगा।
मेरी पहली विश है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊं। सही है भाई, एक विश। और सेकंड विश ये है कि आप मेरे अंडर काम करें। सही है भाई, दूसरी। और तीसरी विश कि आप जब मेरे अंडर काम करें तो मुझसे पैसे की डिमांड बिल्कुल ना करें। नहीं इतना अच्छा नहीं है। हो गई, डन है भाई, ये जाती होगी। लैम कढ़ाई है, बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये हमारा चपली कबाब है और ये हमारा नान आ चुका है गाइस। ये उस्मान भी आपको दिखाते हैं कि इनकी जो लैम कढ़ाई है वो कैसी है, उसकी जो बोटी का साइज़ कितना है। रीज़नेबल है, काफ़ी डिसेंट लग रहा है। स्पाइसी आटे की थी, थोड़ी बहुत ग्रेवी भी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जायका भी इसका अच्छा होगा। अभी हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। अभी खाना खाएंगे फिर रिव्यू एंड। अभी आपको खाना खा के बताते हैं, ओके मैं टेस्ट कर लूं जबरदस्त, बहुत अच्छी बहुत आ रहा है यार, जबरदस्त है, मजा आ गया। हमारा बिल आ चुका है और बिल हमारा मुनासिब बने जी। कढ़ाई 10 out of मेरे ख्याल में 8 out of 10। ओके, और जो नान है इनके वो नान आवर से 8.5। ओके, और जो सैलेड थी वो सैलेड 9। चटनियाँ भी 9। ओके, और खीर भी 9। और जो कावा है वो कावा 10। तो मैंने बहुत टाइम बाद खाई है तो इसलिए मेरे लिए तो 10 out of 10। ओके, नान 9 समथिंग। ओके, सैलेड भी 8। हाँ लेकिन फ्रेश थी। और जो चटनियाँ थी इनकी दो वो तो 10 out of 10। वो लाल वाली तो वो जो जिसमें मैंने अलादीन का चिराग निकाला था लाल वाली वो तो बेहतरीन, वो जो आपने 2-3 दफा मंगाई है। क्या बात है भाई, क्या बात। और आपको खीर कैसी लगी? खीर यार, खीर में लाइक मज़ा आया, सही। ये भी बहुत टाइम बाद खाई और आज मतलब दिन भी बड़ा लाइक अच्छा है और मतलब खीर भी खाने को मिल रही है, मीठा भी खाने को मिल रहा है। आई गेस 9, ये मैं 9.5। ओके, और कावा लाइक 10 out of 10। कढ़ाई जो थी सबसे बेस्ट थी। हाँ, लेकिन अपना स्पाइसी कही हुई थी थोड़ी सी, मेरा ख्याल है लेस स्पाइसी थी। ओके, 10 out of 10। मैं भी मेरा अपना टेस्ट थोड़ा सा सस्ता है पंजाब वाली साइड से। ओके, कितने नंबर देंगे? मैं दूंगा अपना इसको 8 out of 10। ओके, नान? नान जो था नान वाज गुड, नान वाज स्टैंडर्ड नान लाइक एवरीवेयर, नान वाज आई से इट्स अगेन 8 out of 10। ओके, और कबाब? कबाब वाज वेरी गुड, ठीक है। कबाब जो थे वो 9 out of 10 मैं दूंगा, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे पता है आपको सबसे अच्छी खीर लगी है, आपने जितनी स्पीड से खीर खाई है ना। और खीर जो थी उसी सबसे वैसी आप मेरी वो देख सकते हैं खाली हुई है, तो खीर जो थी 10 out of 10। आपके कलेजे को ठंड पड़ गई होगी, जबरदस्त किस्म की खीर है। कढ़ाई आई विल डेफिनेटली गिव 9। जो सैलेड और चटनी आई है, सैलेड और चटनियाँ, चटनियाँ में जो मुझे वो मिंट वाली थी ना वो बहुत पसंद आई है, आई विल गिव 10 out of 10। और बाकी ओवरऑल 9। चपली कबाब 9। जो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें इनकी आई है,
कंट्री में तो मैं दोनों को 10 out of 10 दूंगा। एक तो फ्री आई है, बहुत मज़ा आता है मुझे कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ खा के, और ऊपर से टेस्ट भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आया। भाई जैसे कि ये वाली जगह है ना सही, इस जगह पे बैठ के खाने का ना सही, बाकी मज़ा वहाँ बड़ा आता है। आज हम थोड़ा लेट हो गए, बल्कि लेट नहीं आए तो टाइम पे, लेकिन यहाँ पे रश बड़ा था, तो लगता है 1 घंटे का वेट है अगर आप यहाँ बैठे हैं तो। 1 घंटे का वेट मतलब कि 1 घंटा बैठने का, फिर 1 घंटा खाने का, ऑर्डर करने का। तो अब यहाँ पे लाइक ये अपना फील वही वाली आ रही है कि आप पाकिस्तान में हो सही, आप हाईवे से जा रहे हो, आपको शिनवारी दिखे रास्ते में, आपने ब्रेक मारी वहीं रुक के चरपाइयों में, जो लेट के खाने का मजा है ना मेरा भाई, वो मेरा भाई आप तो आप भले गए फाइव स्टार, ये बात सुन के तो नींद भी आ गई है और आराम भी खाने का मजा, ये बात खाने का बहुत मजा, लेटिंग आता है नजदीक, मैंने बड़ा मजा तो इस अंदर तो अभी जब चक्कर लगाएंगे तो लेटिंग ही आते हैं, खाना खाएंगे लेट के खाना खाएंगे बैठे, तो उसका आपका ही मजा है। तो आज हमने 6 बजे खाना खाया, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम।